हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेदर फिश के बारे में, यानी कि ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स और ऐसे चीजें, ऐसे फीचर्स जो शायद ही आपको यूट्यूब में कोई बताया होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा डिटेल में बताया है। तो सबसे पहला चीज, अगर आपको जानना है कि फेदर फिश टट्टी कहाँ से करते हैं। जी हाँ, मतलब मैं जब इस मछली को लाया था ना, तो मैं ऐसे बॉडी या फिर किसी भी मछलियों का ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर देखता हूँ, ऐसे ये कैसे खाता है या कैसे टट्टी करता है या फिर कुछ भी करता हो, तो मैं हमेशा ऐसा टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कि अच्छा इस तरह से ये ऐसा वैसा करता है। तो मैं जब फेदर फिश को लाया था घर में, तो मैंने सोचा कि भाई ये टट्टी कहाँ से करता है, मतलब इनके नीचे के हिस्से में अगर आप गौर से देखेंगे तो फेदर ही फेदर है, मतलब पूरे शुरू से एंड तक आपको फेदर मिलेंगे। तो टट्टी करने के लिए तो होल चाहिए, मतलब जहाँ से वेस्ट, जो भी खाना है वो वेस्ट निकलेगा बॉडी से, तो उसके लिए तो छेद चाहिए, होल। तो अभी जो भी नॉर्मल मछली है, आपको पता होगा कि जो भी नॉर्मल मछलियाँ होते हैं घर में, आप एक्वेरियम में लाते हैं, उनके नीचे की तरफ एक होल रहता है जिससे वो टट्टी वगैरह जो भी वेस्ट है खाना वो सब निकल जाता है। तो यहाँ पर फेदर फिश के अंदर ऐसा नहीं है। तो मैंने सोचा भाई ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि फेदर फिश टट्टी कहाँ से करते हैं। तो ये अगर आप गौर से देखें इस जगह को, मतलब इस फेदर फिश के मुंह के नीचे आपको एक व्हाइट स्पॉट दिखेगा। जी हाँ, तो ये जो व्हाइट स्पॉट दिख रहा है ठीक मुंह के नीचे, ये है इनका टट्टी करने का जगह। जी हाँ, यहाँ से ये लोग शेड करते हैं, यानी कि पॉटी करते हैं या वेस्ट बाहर निकालते हैं खाना खाने के बाद। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ये एकदम सच है। ये नहीं है कि मैं ये बना चढ़ा के बोल रहा हूँ या फिर ये झूठ है। जी हाँ, ये एकदम फैक्ट है और यहीं से ये लोग अपना मल त्याग करते हैं। किस तरह से, मैं आपको बताऊँ सब कुछ। तो वेस्ट खाने का जो भी होता है ये यहाँ से ये निकलता है। आने वाले दिनों में मैं और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाऊंगा और भी तरह तरह के मछलियों के बारे में, तो वो वीडियो आप मिस ना कर दे, आप हमें खो ना दे। उसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं भी आपको ना खो दूं, ठीक है। तो अगला फीचर इस मछली का या फिर अगला फैक्ट इस मछली का ये है कि ये बड़े ही आराम से कोई भी दिशा में चल सकता है, मतलब यानी कि तैर सकता है, जैसे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं पर भी ही आराम से ये तैर लेता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब कोई भी मछली अगर आप नोटिस करेंगे, हमेशा सीधी तरफ, मतलब सामने की तरफ तैरता है, और बहुत ऐसा कम मछलियाँ हैं जो इस तरीके का टेक्नोलॉजी बॉडी के अंदर अप्लाई होता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीचर है, यानी कि फैक्ट है या फिर बॉडी लैंग्वेज है इनका, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो ये जो इनका नेचर है, इसके वजह से मैं फिदा हूँ, मतलब ये नेचर किसी और मछली में आपको शायद ही देखने को मिले, और इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फिश बन जाता है एक्वेरियम कल्चरर या फिर एक्वेरियम हॉबिस्ट के बीच में। सो ये मुझे मछली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सच बोलूँ तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट मछली फेदर फिश, यानी कि ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश है। ये शायद आपको पता होगा कि इस मछली को अच्छे से दिखता नहीं है, मतलब ये अंधा नहीं है, लेकिन फिर भी ये उतना ज़्यादा अच्छे से देख नहीं पाता है कि सामने कौन है, पत्थर है, पेड़ है, जस्ट एक अनुमान लगा सकता है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल मछलियों जैसा ये मतलब देख नहीं पाता है आसपास क्या चल रहा है। यहाँ पर नेचर ने या फिर भगवान ने इसको इतना अच्छा एक गिफ्ट दिया है, यानी कि एक ब्लेसिंग दिया है कि ये बड़ी आराम से अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। जी हाँ, आप बोल सकते हैं कि ये झटका नहीं मारता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पानी के अंदर छुएंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है तो झटका मारेगा, या फिर इस मछली को आप हाथों से पकड़ेंगे तो आपको झटका लगेगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है अपने बॉडी में, जिससे कि अपने आसपास क्या चल रहा है, क्या है, वो अच्छे से पता कर पाए, जैसे पत्थर हुआ या फिर कोई और मछली आ रहा है सामने, तो ये बड़े आराम से इनको डिटेक्ट कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपना ही बिरादरी का ये मछली है सामने में, तो दोनों एक दूसरे को पहचान इसलिए रहा है क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेम टाइम पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये दोनों ही आराम से पता कर पाएगा कि सामने और एक ऐसा ही मछली है जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर पा रहा है, तो एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने के लिए, कॉन्टैक्ट करने के लिए, मेट करने के लिए, जो भी हो, तो बड़े आराम से ये लोग करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब एक दूसरे के आसपास ऐसे घूमना या फिर आगे पीछे चलना, तैरना, लग रहा है कि एक अलग ही, मतलब कोई वर्ड नहीं है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए।
और दूसरा जो चीज़ है कि ये मछलियाँ रात को ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि ये लोग दिन में सनलाइट में देख नहीं पाते हैं क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये लोग दिन को सोते हैं, आप मान सकते हैं दिन को सोते हैं ये लोग, आराम करते हैं, और रात को ये लोग जगते हैं। और नॉर्मल फिशेस क्या करते हैं, रात को सोते हैं और दिन को जागते हैं। और मैंने देखा है दोस्तों, एकदम डिम लाइट करके ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मतलब पूरे एक्वेरियम में ये लोग घूमते रहेंगे दिन भर नहीं मतलब रात भर पूरे एक्वेरियम में घूमते रहेंगे। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है उस टाइम। रात को मैं वीडियो कैसे बनाऊँ इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया, इसीलिए लाइट ऑन करना पड़ रहा है, नहीं तो आपको दिखेगा भी नहीं कैसे ये घूमता है। सो अभी जैसे लाइट जल रहा है तो एक जगह ये लोग ऐसे ही तैर रहे हैं, लेकिन जब लाइट ऑफ हो जाएगा पूरी एक्वेरियम को ये लोग ऐसे छानबीन करने लगेंगे कि कहाँ पर क्या है, मतलब कहाँ पर खाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं, तो उसके माध्यम से ये लोग चेक करते हैं कहाँ पर कीड़े मकोड़े वर्म्स यू नो केंचुए वगैरह कहाँ पर खाना मिलेगा, तो ये लोग इसी तरह से डिटेक्ट करते हैं। और मैं आपको एकदम इजी आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। जैसे हम लोग इंसान सोनार रेडार यूज़ करते हैं ना शिप्स में, जहाज में, यू नो सबमरीन में, पानी के अंदर, तो ठीक उसी तरीके का टेक्नोलॉजी यानी कि बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी यही लोग यूज़ करते हैं, उसी को कॉपी करके इंसान बनाया है एक्चुअली डॉल्फिन को देख के। सो ये अलग टॉपिक है। और हमारा अगला फैक्ट इस मछली के बारे में ये है कि ये जो मछली है इनका नेचर टेरिटोरियल है। टेरिटोरियल मतलब कि सोच लीजिए आसान भाषा में कि जैसे आपका घर है, आप किसी और को घुसने नहीं देंगे अनजान आदमी को, ठीक वैसा ही है। मतलब ये एक ऐसा पोर्शन ढूंढ लेंगे जहाँ पर ये दिन रात वहीं रहेंगे, ठीक है। तो उसको एकदम सेफली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी और को वो घुसने नहीं देगा, तो ऐसा टाइप का ये मछलियाँ है। एक बार अगर कोई और घुस जाए उसके एरिया में, उसके घर के अंदर, तो वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, एकदम भगा देते हैं बहुत ही आराम से। तो ऐसा टाइप का ये मछलियाँ है, टेरिटोरियल है, थोड़ा सा एग्रेशन जितना इनका उम्र होता है उतना इनका ये वाला जो नेचर है बढ़ जाता है। बचपन में एकदम आराम से आप देखेंगे एक्वेरियम शॉप में एकदम आराम से बहुत सारे मछलियाँ एक साथ रह जाते हैं, तो वो बात अलग है, वो लोग एक साथ रख देते हैं इसीलिए ऐसा उसका नेचर हो चुका है। लेकिन जब आप घर में एक दो लेके आएंगे ना, जितना बड़ा होते जाएगा तब आपको पता चलेगा कि इनका नेचर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हो रहा है अभी एक्वेरियम के अंदर। तीन मेरे पास फेदर फिश है, एक जो मेरा पुराना था ये घर बना चुका है अपना, मतलब ये जो शीशे वाला घर मैंने बनाया ये अपना घर मान चुका है और ये यहाँ पर किसी को घुसने नहीं देता है। और हमारा अगला फैक्ट ये है कि इसका नाम फेदर फिश यानी कि ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश क्यों पड़ा। फेदर फिश इसलिए क्योंकि ये जो पंछी का जो फेदर होता है ना, तो उसी तरीके का देखने में लगता है। और ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश इसलिए क्योंकि एक तो ये ब्लैक है ऑब्वियसली काला कलर का है, घोस्ट क्योंकि ये रात को निकलते हैं, ठीक है, रात को ये लोग एक्टिव रहते हैं, तो घोस्ट जैसे रात को हम लोग सोचते हैं कि एक्टिव रहता है ठीक उसी तरह से। और ऊपर से इनका जो आचरण है यू नो नेचर है, जो घूमने फिरने का तरीका है वो भी घोस्ट से कम नहीं है, भूतों से कम नहीं है, तो इसीलिए घोस्ट नाइफ फिश यानी कि नाइफ मतलब छुरी, चाकू, चाकू जैसा इनका डिज़ाइन है बॉडी का, नाइफ फिश हो गया। और ये फैक्ट अभी तक मैंने जो बताया आपको, अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें पता चल जाए कि आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं, और ऐसे ही और भी वीडियोस मैं आने वाले फ्यूचर में ज़रूर लाऊंगा। और अभी अगला जो फैक्ट है ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये फैक्ट नहीं कहेंगे, अगर आप नया फेदर लाना चाहते हैं सबसे बेस्ट उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी मछली आप ये एक्वेरियम शॉप से लेके आ रहे हैं उसी वक्त उस दुकानदार को आप पूछ लीजिएगा कि आप इसको खाना क्या खिलाते हैं, मतलब इनको अभी से क्या आदत दिला दिए हैं आपने, ऑप्टिमम देते हैं जो आपको गोल गोल से छोटे छोटे देखने को मिलते हैं वो देते हैं, या फिर ब्लड वर्म देते हैं, या फिर फ्रोजन वर्म्स देते हैं। तो अभी क्या है ना, ये प्रॉब्लम क्यों में आएगा आने वाले फ्यूचर में मैं आपको बताता हूँ। अगर वो दुकानदार ऑप्टिमम दे के उसको आदत डला दिया है, मतलब आदत उसका बन चुका है, तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप भी ऑप्टिमम रात को दे देंगे तो वो खा लेगा। लेकिन अगर वो फ्रोजन वर्म्स या ब्लड वर्म्स दे के आदत बना दिया है तब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अभी अगर आप बाकी मछलियों के जैसा ऑप्टिमम इसको देंगे तो वो खाएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाएगा, दो दिन एक दिन तो खाएगा ही नहीं, पूरा खाली पेट रह जाएगा।
जैसे मेरा रहा था, मुझे पता नहीं था। ठीक है, मैं ऐसे ही लेके घर में आ गया, मैंने पूछा भी नहीं। अभी क्या है कि मेरे को प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। 2 दिन तक इन्हें खाना नहीं खाया, मैं सोचा तो ये गया मरने वाला, ये मेरा दिल टूट गया था एकदम। फिर अभी क्या है कि मेरा जैसे पुराना एक फेदर फिश था, वो रात को जगता था, एक्टिव होता था, तो जब भी मैंने खाना देता था ना तो वो ऊपर आ जाता था। तो अभी वो दोनों जो मछलियाँ हैं नया, वो उसको देख देख के उसको पता चल चुका था कि हाँ इस जगह ऊपर में ना खाना आता है, इसीलिए वो इतना यू नो फुर्तीला हो जाता था। तो अभी उसको देख देख के कभी कभी एक दो बार ऊपर आता था वो। उसके 3-4 दिन हो जाने के बाद उसको पता चला कि हाँ ऊपर में ऐसे खाना दिया जाता है, ऑप्टिमम ऐसा पाउडर वैसा आएगा। तो पहले पहले खा नहीं रहा था, एक दो शायद दाना खा रहा था, उसके बाद धीरे धीरे उसका स्टार्ट हो गया। तो आदत अभी बन चुका है। तो मैं आपको कहूँगा आप दुकान में जाके जस्ट पूछिए कि इसका क्या आदत बना हुआ है, नहीं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि खाना नहीं खाएगा, आपको टेंशन होगा कि मर ना जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली तो ज़रूर है। और हाँ, पानी वाटर चेंज मैं आपको बताऊं तो इस एक्वेरियम में मेरे पास और भी बहुत सारे मछलियाँ हैं, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मैं उसी के लिए सिर्फ पानी चेंज करूं। मैं जब मेरा देखता हूं कि पानी गंदा हो रहा है, मैं आपको उसके लिए बता दूंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पानी कैसे क्लीन किया जाता है वगैरह वगैरह। तो उसी टाइम मैं कर देता हूँ, जब मेरे को लगता है कि पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, देन मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। और हमारा अगला फैक्ट ये है कि अगर आप इनके बॉडी में अच्छे से ध्यान से देखें तो एकदम एंड में, एकदम पूंछ की तरफ इनके पास 2 आपको व्हाइट लाइनिंग देखेगा, व्हाइट स्पॉट जैसा दिखेगा। ठीक है, तो वो किसी किसी में तो 2 नहीं होता है, किसी किसी में 1 व्हाइट लाइन देखने को मिलता है। तो वो डिपेंड करता है मछली के ऊपर। तो मेल फीमेल पता कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे तो पहले लगता था ना दोस्तों कि वो जो व्हाइट लाइन है ना टेल में, इनके पूछ में, उसी से पता चलेगा, मतलब 2 लाइन मतलब फीमेल और 1 लाइन मतलब मेल, मुझे तो लगता था। अब पता नहीं, ये कोई कोई बोल रहा है कि हाँ ये है सच है, कोई कोई बोल रहा है कि नहीं ये झूठ है, तो ये कन्फ्यूज़न है। तो मैं भी आपको नहीं बताऊंगा कन्फर्म कि ये सच है कि नहीं, मुझे खुद ही नहीं पता है। लेकिन हाँ, मेल फीमेल अगर आपको पता करना है इन मछलियों का, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये जब मैच्योर होंगे तभी पता कर पाना ईजी रहता है। मे भी थोड़ा सा बड़ा होने के बाद, जब थोड़ा सा एक मैच्योर साइज में हो जाते हैं, उस टाइम इनका जो बॉडी है वो थोड़ा सा थिक होने लगेगा। फीमेल जो होगा शायद वो थिक हो जाएगा, मतलब चौड़ा होने लगेगा, मतलब ऊपर और नीचे वाला जो डायमेंशन है वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। और मेल जो होगा शायद वो लंबा होता है, मतलब जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो शायद वो लंबे जैसा स्ट्रक्चर वो अडॉप्ट करते हैं, उनका बॉडी थोड़ा सा लंबा हो जाता होगा। तो ये डिफरेंस शायद उस टाइम पता चल जाता है। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं ये ऐसा नहीं है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं ये एकदम गेस मार रहा हूँ। ठीक है, मुझे खुद ही नहीं पता है कि मेल फीमेल कैसे आइडेंटिफाई करें, मुझे जहाँ तक लगा इसलिए मैं आपको बताया। अगर आपको ये गलत लग रहा है या सही लग रहा है, जो भी लग रहा है, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो में जो भी मैंने सही बोला, गलत बोला, या फिर आपको कुछ और ऐड करना है कि मैंने ये चीज़ मिस किया या फिर ये बोलना चाहिए था, जो भी है आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।